गुड आफ्टरनून बच्चों। कल वाला टेस्ट ऑनलाइन ही है जैसे होता है हमेशा? अच्छा, कल वाला टेस्ट मैंने टाइमिंग्स मतलब ओनली फॉर टुमारो 6 AM to 5 PM है। उसके बाद वील डिस्कस एक बार कि क्या रखने हैं। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट्स आपके इस चैप्टर के, कोई पूछना चाहो मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस शीट? पहले मैं वो डाउट्स ले लेता हूँ, फिर ये शीट डिस्कस करा दूंगा। ओके, मेरे पास दो डाउट्स आए हैं। एक है, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या होता है सिंपली कि भाई आपको मतलब वो कहाँ यूज होता है, वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने में। ट्रायंगल लॉ को याद रखने का ना बेस्ट तरीका ये होता है कि इमेजिन आपको किसी पॉइंट ए से, आप पहले गए बी तक और बी से गए सी तक, तो यही ए से सी जाने का डायरेक्ट रास्ता क्या हो सकता है? लाइक दिस, राइट? तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि रेड वेक्टर जो है वो सिंगल वेक्टर वो काम कर रहा है जो बाकी दोनों वेक्टर्स मिलके कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ए सी वेक्टर इज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ठीक है, तो थिंक इट इन टर्म्स ऑफ रूट्स ओनली। आप सोचो, आप रास्ता बना रहे हो ए से सी जाने का, तो ए से सी जाने का रास्ता सीधा भी हो सकता है और वो ए बी और बी सी मिला के भी हो सकता है। तो उससे पता चल जाता है, मतलब ट्रायंगल लॉ में जो गलती होगी वो यही होगी आपकी कि कई बार एरोस के डायरेक्शंस नहीं समझ आती। ठीक है, ओके। दूसरा डाउट है बच्चों कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क होता है, कोई बताना चाहेगा? हाँ धृतिका, बताओ। एक्यूरेसी का मतलब तो जो करेक्ट वैल्यू है उसके आसपास कितना आ रहा है, जो हमारी निकाली हुई वैल्यू है, और प्रिसीजन का मतलब जो हमारे रिजल्ट्स निकाले हुए हैं वो आपस में कितने आसपास आ रहे हैं। यस, बिल्कुल ठीक। इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है, जैसे बच्चों मान लो एक डार्ट गेम होती है ना, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप बिल्कुल सेंटर पे निशाना मारते हो, और जितना दूर मारोगे उतने पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो एक्यूरेट का मतलब है सही वैल्यू के कितना पास हो आप। तो मतलब अगर कोई बिल्कुल किसी ने यहाँ निशाना लगा दिया तो वो सबसे एक्यूरेट हो गया, थोड़ा दूर लगाया तो वो कम एक्यूरेट हो गया, और दूर लगाया तो वो और कम एक्यूरेट हो गया। प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि निशाना लगे चाहे ना लगे कोई मतलब नहीं है। प्रिसाइज का मतलब सिंपली ये है कि आप
कितने कंसिस्टेंट हो कि आप एक ही जगह निशाना लगाते हो, वो सही हो चाहे गलत हो, बट आप लगाते एक ही जगह हो, ठीक है। अगर मान लो किसी ने सारे निशाने इसी रीजन में ऐसे लगा दिए ब्लू वाले, तो वो प्रिसाइज हो गया, ठीक है, तो एक्यूरेट नहीं है वो, बट वो प्रिसाइज है, राइट। तो अब आपको अगर कोई वैल्यूज दी हुई है तो आप बताओगे कैसे, जितना तो वैल्यूज वो पास पास है, मतलब वो उतना प्रिसाइज हो गया, फिर हमें कोई ना कोई करेक्ट वैल्यू भी बताई जाएगी, जितना कोई वैल्यू करेक्ट वैल्यू के पास है वो उतना एक्यूरेट हो गई। ऑलराइट, सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स की जरूरत ही नहीं है आपको, मैंने जो बताया था आप सीधा सीधा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके उनको लिखते जाओ, बाकी अभी जो आज एग्जांपल्स जो आएंगे उससे हम कर भी सकते हैं। परसेंटेज चेंज, यस, वो इस टाइप का कह रहे हो कि जैसे पी इज एक्स रेस टू पावर ए, वाई रेस टू पावर बी, जेड रेस टू पावर सी, तो कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो परसेंटेज चेंज इन एरर इन पी क्या होता है, ए टाइम्स परसेंटेज एरर इन एक्स का मॉड प्लस बी टाइम्स परसेंटेज एरर इन वाई का मॉड प्लस सी टाइम्स परसेंटेज एरर इन जेड का मॉड। मतलब जो पावर्स हैं वो परसेंटेज एरर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और फिर आप जो हर इंडिविजुअल क्वांटिटी है उन सबका मॉड लेके उनको ऐड करते हो। ठीक है जी, जैसे बच्चों एक एग्जांपल लो फटाफट और मुझे बताओ करके, जैसे हाँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अब दो चीजें हैं बच्चों, एक ये ध्यान रखना है, ये है एरर्स, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है मेथड, ये है परसेंटेज एरर निकालने का तरीका। अगर आपको ये बहुत ध्यान रखना है, अगर आपको परसेंटेज चेंज इन पी निकालना है, ठीक है, एक क्वांटिटी चेंज है और एक एरर है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस फर्क यह है कि अब कोई मॉड नहीं आएगा, तो ए इंटू परसेंटेज चेंज इन एक्स प्लस बी इंटू परसेंटेज चेंज इन वाई प्लस सी इंटू परसेंटेज चेंज इन जेड। मतलब अब ये जो सारी क्वांटिटीज हैं, दीज आर परसेंटेज चेंजेस नॉट एरर्स, तो अगर वो बढ़ रही होगी तो आप उसको प्लस में लिखोगे, अगर वो कम हो रही होगी तो आप उसको माइनस में भी लिखोगे। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक है मैं आपको कहूं कि लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये निकालो। वायर को स्ट्रेच किया हमने,
बताओ बच्चों इस केस में क्या आंसर आएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें दो कंसेप्ट यूज होते हैं। एक तो हम कहेंगे कि जो वॉल्यूम है दैट इज एरिया इनटू लेंथ वो कांस्टेंट है। एक आपको ये बता दिया कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज प्लस वन, करेक्ट। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, वन इंटू परसेंटेज चेंज इन एरिया प्लस पावर सोचवानी हुई प्लस वन इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो कि जीरो होना चाहिए। तो ये परसेंटेज चेंज इन एरिया बन गया माइनस ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, मतलब -1%। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल बाय ए, तो रो एल ए -1। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन रो प्लस परसेंटेज चेंज इन एल प्लस -1 इंटू परसेंटेज चेंज इन ए। तो पहली टर्म तो जीरो ही है, दूसरी +1 है और तीसरी क्या हो गई, -1 इंटू -1, तो ये टोटल 2 बन गया। ठीक है जी, तो चेंज में मॉड नहीं लगाते, एरर में मॉड लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं एक और कर लो फटाफट, सब कुछ कांस्टेंट है, डिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर दिया बाय 2%, चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, मतलब वो आर -2 पे डिपेंड करती है ना। तो परसेंटेज चेंज इन फोर्स इज -2 इंटू परसेंटेज चेंज इन आर, तो ये -4% आ गया, मतलब क्या हुआ कि 4% से कम हो रही है। ठीक है बच्चों, ओके okay। हाँ जी बच्चों, पेज वन विदाउट, हाँ ये 10% से कम चेंजेस पे ही एप्लीकेबल होता है। अब बच्चों ये शीट को करने में ऑब्वियसली आपको सारे 11th 12th के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी होंगे क्वेश्चंस, है ना। मतलब आई थिंक इतनी तो अजम्पशन फेयर है, अब की फॉर्मूलाज याद हैं। और जैसे सेकंड क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आप उसका फॉर्मूला याद करो, उससे निकाल सकते हो कि या तो ये था को याद करो, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई वाला था, या था एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इनसे किसी से भी आप विस्कोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो।
आगे बच्चों, थर्टींथ क्वेश्चन देखो बच्चों। सी, डिफरेंसिएशन इंटीग्रेशन जो होती है वो डायमेंशनली कुछ भी चेंज नहीं करती, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही राइट हैंड साइड पे होगा। तो अब क्या होगा, देखो कैसे देखेंगे हम। हमें दिख रहा है कि इसको हम दो तरीके से हम देख सकते हैं बच्चों। एक तो ये दिख रहा है कि ये ए टी टी स्क्वायर में से माइनस हो रहा है, या यहां दिख रहा है टी बाय ए की टर्म है। इससे क्या पता चल रहा है कि ए की क्या डायमेंशंस है, ए टी की डायमेंशंस। ए टी की डायमेंशंस टी स्क्वायर वाली है, तो ए की डायमेंशन टी वाली है, पहले तो ये पता चल गया। अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों क्या डायमेंशंस है, डी टी। डी टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो डायमेंशन तो टाइम की है, तो ऊपर टाइम है, ठीक है। और नीचे क्या है, रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो नीचे भी टाइम बचा। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन लेस है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। अब वो साइन इनवर्स वाली क्वांटिटी तो डायमेंशन लेस ही होती है, ये वाली क्वांटिटी डायमेंशन लेस कैसे बनेगी अगर क्या पावर होगी। जीरो, आगे बच्चों। एट क्वेश्चन, जो क्वांटिटीज ऐड होती हैं उन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो बी एक्स सी टी डी, इन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, एंड वो डायमेंशनलेस भी होना चाहिए, क्योंकि साइन जो हम लेते हैं वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी का ही लेते हैं। तो बी एक्स सी टी डी ये सब डायमेंशनलेस होने चाहिए। तो बी क्या हो गया, 1/x हो गया, सी क्या हो गया, 1/t हो गया, और डी तो डायमेंशनलेस ही हुआ, और वाई और ए की डायमेंशन सेम होंगी। तो ए की डायमेंशंस लेंथ वाली हो गई, तो इससे आप निकाल लोगे। नहीं, 13th में पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रल है, वो सिर्फ न्यूमरेटर का नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, रूट जी बाय आर की डायमेंशंस निकालो आप। भाई जी क्या होता है, एल टी माइनस टू, आर क्या होता है, एल, तो ये कट गया। क्या बचा, टी रेस टू पावर माइनस वन। अब ऑप्शंस में देखो, टी रेस टू पावर माइनस वन क्या है, एंगुलर स्पीड। राइट, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। आगे बच्चों,
18th question, R, L and R are inductance resistance, dimensional formula for R by L is same as that of. तो बच्चों ये कहाँ से चेक कर सकते हो, इनका ना जो मतलब थोड़ा शॉर्टकट रहता है ये उधर से आप चेक कर सकते हो, जो एसी चैप्टर है भाई, एक्सी एक्सएल एक्सआर सब रिएक्टेंसेस हैं तो सबकी वो सेम है, तो वहां से आप देखो कि आर और ओमेगा एल की डायमेंशन सेम होंगी, तो आर बाय एल की डायमेंशन कौन सी हो गई, ओमेगा वाली, ओमेगा की कौन सी होती है डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी वाली, तो 18th का ए आ जाएगा. सेवेंटींथ क्वेश्चन, टॉर्क इज गिवन बाय ए एल प्लस बी आई बाय ओमेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी सेम एज दैट ऑफ. तो बच्चों इन सब में आपको याद होगा क्या रूल्स होते हैं, कि जब आप क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो तो जिन क्वांटिटीज को भी ऐड कर रहे हो उन सब की डायमेंशंस आपस में सेम होनी चाहिए. तो मतलब डायमेंशंस ऑफ ए एल शुड बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, शुड बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ बी आई बाय ओमेगा. तो अब आप क्या कहोगे भाई, ए की डायमेंशन क्या हो गई, टॉर्क अपॉन एल, बी की डायमेंशन क्या हो गई, टॉर्क इंटू ओमेगा बाय आई, तो ए बी की क्या बन गई, टॉर्क स्क्वायर ओमेगा अपॉन एल आई. ठीक है बच्चों, अब यहां थोड़ा आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टॉर्क को क्या आप पुट कर सकते हो, क्योंकि नीचे मुझे आई दिख रहा है तो मैं टॉर्क को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं एज टॉर्क आई अल्फा होता है, तो आई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू ओमेगा आ गया. L को लिख देते हैं, L क्या होता है, आई ओमेगा होता है इंटू आई, तो आपका ये आई तो कट गया, ओमेगा कट गया, तो ये अल्फा बचा सिर्फ, अल्फा स्क्वायर. अल्फा क्या होता है, अल्फा इटसेल्फ इज टी माइनस टू, तो अल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी माइनस फोर. आगे बच्चों, ट्वेंटी फोर्थ विच इज नॉट डायमेंशनलेस, जो ऑप्शन से ही देख के होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी तो v2 माइनस v1 होता है, बाकी सब रेशियोज हैं.
वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ MLTA, ये तो सारी स्टैंडर्ड, मतलब वोल्टेज का आप निकाल लो डायमेंशनल फॉर्मूला, वोल्टेज होता क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ए क्या होता है, करंट होता है, तो उससे निकलेगा। थर्टी फोर तो नहीं पूछना चाहिए था यार, अभी तो सीधा पता होना चाहिए हमें फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन और टी स्क्वायर, वो तो एनर्जी डेंसिटी होती है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा। 45th देखो, देखो सारों में एरर्स दिए हुए हैं। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस एक बार देख लो कैसे करते हैं। आप क्या करो, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख दो इन टर्म्स ऑफ जो क्वांटिटीज गिवन है। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये वायर है तो वायर का वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो अब परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या हुआ, परसेंटेज एरर इन एम, सारा कुछ हमें ऐड ही करना है, 2 × परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन एल। एक मिनट बचो। तो अब व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एम, 0.003 अपॉन 0.3 × 100। परसेंटेज एरर इन आर क्या हो गया, 2 × 0.005 अपॉन 0.5 × 100, ऐसे ही लेंथ में 0.06 × 100। सारी क्वांटिटीज ऐड करना है, बस माइंड में रखो। तो पहली क्वांटिटी ये 1 बन गई, दूसरी 2 बन गई, तीसरी 1 बन गई, तो 4 आ जाएगा। फोर्टी सिक्स क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्यूरेसी ऑफ सीजियम क्लॉक इज 1 part in 10^11, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सच क्लॉक्स ऑपरेटिंग फॉर अबाउट 3200 इयर्स। और वो दे दिया कि देखो जो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि जो सीजियम क्लॉक है उसमें 10^11 seconds के अंदर 1 second का एरर आता है। ठीक है, मतलब बेसिकली आप समझो, आपके लिए क्वेश्चन है क्या, आपको कहा क्लॉक 1 है, उसकी रीडिंग क्या है, 10^11 seconds प्लस माइनस 1 second। क्लॉक 2, उसकी रीडिंग भी है 10^11 seconds प्लस माइनस 1 second। तो आपको इनके डिफरेंस के बीच में एरर बताना है। डिफरेंस में कितना एरर हुआ बच्चों, हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर्स तो ऐड ही होते हैं, तो वो क्या हो गया, 2 हो गया। ये बच्चों सबसे स्कोरिंग चैप्टर है आपका पूरा 11th 12th का। आगे बच्चों,
अच्छा 47th क्वेश्चन समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 47, 48, 50 तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 47 क्वेश्चन कहता है कि पहले उसने 10 वाइब्रेशंस का टाइम मेजर किया, फिर उसने 100 का किया, तो जो रिलेटिव एरर है वो कितने से रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों देखो, इसमें हम क्या मान के चलते हैं, और वो ऑब्वियस भी है कि बेसिकली हम जो मेजर कर रहे हैं वो सेम वॉच से कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें सबको पता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होती है, राइट? मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है उस रीडिंग में। तो भाई अब आपने चाहे उसको 10 वाइब्रेशंस के लिए मेजर किया, चाहे 100 के लिए मेजर किया, जो इंस्ट्रूमेंट का एरर होगा वो तो सेम ही आएगा ना। ये बात समझ सकते हो बच्चों? तो आप सोचो, मान लो एक वाइब्रेशन का टाइम है, नहीं मतलब मान लो 10 वाइब्रेशंस जो हैं उनमें टाइम लगा टी, और उसमें कुछ एरर आ गया एक्स, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हमने 100 वाइब्रेशंस की तो उसमें टाइम कितना लगेगा। टाइम तो 10 टी लगेगा, अगर 10 टाइम्स आपने वाइब्रेशंस बढ़ा दी, करेक्ट। लेकिन एरर को क्या होगा? एरर सेम रहेगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो वही यूज किया आपने, ठीक है जी। तो क्या हो गया जो अब आपको पूछा है कि रिलेटिव एरर को क्या हुआ। रिलेटिव एरर पहले क्या था, एक्स बाय टी, बाद में क्या हो गया, एक्स बाय 10 टी। तो मतलब जो एरर है वो 1/10 रह गया, राइट बच्चों? तो क्या आंसर आएगा, कितने से रिड्यूस हो गया, 90% से, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस करने का क्या मेथड है देखो। आई थिंक आपने किया होगा पक्का ऐसा कोई क्वेश्चन 11th में। आप बच्चों क्या करते हो, सबसे पहले जो ये इसको हेडिंग दे दो, जो इंडिविजुअल रीडिंग्स हैं एज एक्स आई, सबसे पहले इन सबकी वैल्यूज लिख दो, 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज सबसे पहले हम इन सारी रीडिंग्स का मीन ले लेते हैं। हम निकाल सकते हैं कैसे, सारी क्वांटिटीज को ऐड करके उनके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। फटाफट बताओ मुझे इस केस में मीन क्या आया। वन पॉइंट फाइव वन आता है बच्चों, इज इट? फिर बच्चों हम निकालते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, ठीक है। हर क्वांटिटी के लिए हम
एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड निकालते हैं। तो जैसे एक्स आई क्या है 1.45, एक्स बार क्या है 1.51, तो मॉड लेके बस, तो 0.06 हो गया, ये 0.05 हो गया, ये 0.03 हो गया, ये 0.07 हो गया, ये 0.03 हो गया। तो फिर हम ये जो क्वांटिटीज हैं इनका भी मीन ले लेते हैं। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड होल अपॉन एन, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है फॉर एरर। ठीक है, इससे क्या आ जाता है 0.04 आ जाता है बच्चों। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। नहीं नहीं जसकंडवल बिल्कुल नहीं, आप इसी से निकालोगे। यस कृतिका सर, जैसे यहाँ पे हमें पता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं करना, हम इसी मेथड से ही निकालेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों, मतलब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ये दिया हुआ है और आपको पूछते हैं कि बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप क्या आंसर करते, ये वाला एवरेज वैल्यूज 1.51। ओके सर, और हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि चल आस पास है, क्योंकि वैल्यूज भी बहुत पास पास ही होंगी जो ऑप्शन है, तो मतलब ये एग्जैक्ट मेथड ही है निकालने का। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, ये जेई मेंस में आ चुका है और ये नीट में अभी तक नहीं आया है, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो आप कह लो कि इसकी सब मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मतलब आपको मेन क्वांटिटी भी निकालनी आनी चाहिए जो कि सिंपल मीन से निकल आई, और आपको एरर भी निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, ये आपका बच्चों टेंथ में मैथ्स का चैप्टर होता था स्टैटिस्टिक्स, मुझे याद नहीं, मतलब वो बाद में चेंज चूंज हो गया था कुछ, तो अगर आप देखो तो मैंने बिल्कुल वो स्टैटिस्टिक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, पता नहीं क्या बोलते थे उसमें, मीन डिविएशन या कुछ ऐसा। तो मतलब जो भी उससे रिलेट करो या जो मैंने बताया उसका रट्टा मारो, ये आना चाहिए। ठीक है जी, फिफ्टीथ क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी का है और इसी साल इस पे बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में आया था, तो बस अब तुम्हारी बारी है। बच्चों प्लीज ये मत होने देना कि मैं आपके अगले साल वाले बैच को ये कह रहा हूं कि भाई कुछ बेवकूफ बच्चे थे, उनको बताया था मैंने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है और वो गलत करके आए हैं। ठीक है, तुम्हारा ना नाम ले लेके एग्जांपल दूंगा मैं, अगर ये क्वेश्चन गलत करके आए एक्चुअल एग्जाम में फेमस कर दूंगा तुम सबको। तो अब बच्चों 50th क्वेश्चन कैसे करना है, ऑब्वियसली वी नो द फॉर्मूला फॉर पैरेलल combination of resistors,
which is 1 by r1 plus 1 by r2. I am very sure कि आप में से कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा, है ना? आया बच्चों? एंड आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत होगा. मतलब लेट्स सी, बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि इसका जनरली आंसर हर जगह गलत ही दिया होता है. तो बच्चों, इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप कहो कि r इज इक्वल टू r1 r2 ओवर r1 प्लस r2. तो अब आप कह दो कि r1 r2 एक क्वांटिटी है a, r1 प्लस r2 दूसरी क्वांटिटी है b, और फिर आप कह दो कि भाई दो क्वांटिटीज को डिवाइड कर, पहले आप a में एरर निकाल लो, फिर आप b में एरर निकाल लो. अब आप कहो कि दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं, उन पे डिवाइड होने वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे एरर निकाल लो. आई एम वेरी मतलब नियरली सर्टन कि यही किया होगा और उसी से आंसर यहाँ पे आ रहा होगा. बोलो बच्चों. तो ये गलत है बच्चों. अब एक बार थोड़ा सा सोचो कि ये क्यों गलत है. मैं आपको बताता हूं इसको करना कैसे होता है. बच्चों ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे जो स्टैंडर्ड केसेस हैं एरर वाले, हमारे स्टैंडर्ड केसेस क्या थे कि या तो एरर क्वांटिटीज ऐड हो रही हो ना तो उसमें फॉल करता है, क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसमें भी फॉल नहीं करता, क्वांटिटीज की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो उसमें भी फॉल नहीं करता, राइट? कि एक्स रेज़ टू पावर ए, वाई रेज़ टू पावर बी, उस फॉर्म में भी नहीं हम बना सकते. ये कुछ अजीब सा ही कर रहे हैं हम, है ना? हम क्वांटिटीज की पावर्स भी ले ली हमने माइनस वन, फिर उनको आपस में ऐड कर दिया, फिर उस पूरे का रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है? तो बच्चों याद क्या रखनी है बात, कि जब कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हो जो आपके स्टैंडर्ड केस में फॉल नहीं कर रहा, मतलब जहां पे आप ना तो ऐड कर रहे हो ना आप मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस केस में देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन. वो ये होता है कि आप जो एक्सप्रेशन है बच्चों उसको डिफरेंशिएट कर दो. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या बन जाएगा, माइनस वन बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मैंने आर के रिस्पेक्ट में कर दिया बच्चों, इज इक्वल टू माइनस वन बाय आर वन स्क्वायर इंटू डी आर वन बाय डी आर माइनस वन बाय आर टू स्क्वायर इंटू डी आर टू बाय डी आर. पहले तो बच्चों ये बताओ, ये डिफरेंशिएशन समझ आ रही है? क्यों, ये हमने सेम डिफरेंशिएशन की हुई है जब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए करी नहीं थी यही इसी टाइप की डिफरेंशिएशन, जहां पे हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला था. क्या किया मैंने, चेन रूल, मतलब आर की पावर माइनस वन है तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हुई, माइनस वन बाय आर स्क्वायर, माइनस वन इंटू आर की पावर माइनस टू. अब राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, हम आर वन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना? तो पहले तो हमने वही लिखा, माइनस वन बाय आर वन स्क्वायर, लेकिन उसको साथ में हमने क्या किया, फिर डी आर वन बाय डी आर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. चेन रूल जो होता है बच्चों, मतलब जैसे इमेजिन
अगर मैं कहूँ आपको फाइंड डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होता है? इज इट 2x? क्या होता है वो? टू एक्स डी एक्स बाई डी टी होता है ना। आपने क्या किया, पहले तो एक्स स्क्वायर पे पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया, उससे 2x बन गया। बट क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे थे, इसलिए आपने डी एक्स बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे राइट हैंड साइड पे आपने पहले तो आर वन रेस टू पावर माइनस वन पे फॉर्मूला लगा दिया, राइट? वो बन गया माइनस वन बाय आर वन स्क्वायर। बट क्योंकि आप आर के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गई, डी आर वन बाय डी आर, है ना? तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज मतलब एरर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सारा कुछ ऐड करते हैं, तो यहां पर भी मतलब मैं बाय चांस यहां पर वैसे माइनस साइन कैंसिल हो रहा है, बट अगर कैंसिल ना भी हो रहा होता तो भी आपने मतलब हर तरफ मॉड ले लेना था, ताकि फाइनली सारी क्वांटिटीज जो हैं वो ऐड ही हो, ये ध्यान रखना, ठीक है? एरर वाले केसेस में कभी भी क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब ये क्या बन गया, डी आर को उधर ले जाओ, ये बन गया डी आर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस डी आर टू बाय आर टू स्क्वायर, ठीक है जी? अब डी आर को आप लिख दोगे एज डेल्टा आर, तो डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू स्क्वायर। ये पुट करना बच्चों, देखना इससे क्या बनता है। आर क्या आता है पैरेलल में लेके 60/16, तो आप क्या कर सकते हो, आप डेल्टा आर बाय आर को इधर ही रख लो, आर को उधर ले जाओ, तो आर इंटू पॉइंट थ्री बाय सिक्स स्क्वायर प्लस पॉइंट टू बाय टेन स्क्वायर इंटू 100। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, बस डी आर को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डी आर को, देखना बच्चों इससे क्या बनता है।
ये 60/16 क्या है, आर की वैल्यू। इससे सेकेंड लास्ट स्टेप देखो, यहाँ आर स्क्वायर था ना, तो मैं एक आर को उधर ले गया, क्या बन रहा है बच्चों? इससे एग्जैक्ट बन रहा है क्या 3.125? तो चलो कैलकुलेशन कर लेना, आपको मेथड समझ आ गया। इतना लंबा बच्चों ऑब्वियसली नीट में नहीं आ सकता, बट हो सकता है हमें जनरल फॉर्म में ही पूछ लेगा ना, फर्स्ट स्टेप तक या सेकंड स्टेप तक। हाँ फॉर्मूला पूछा जा सकता है। यस, तो नहीं, मैंने लास्ट स्टेप में डेल्टा आर बाय आर बनाया ना, क्योंकि परसेंटेज चेंज बनाना है, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की वैल्यू बनाई है मैंने। सिक्सटी बाय सिक्सटीन तो आर की वैल्यू है ना, हाँ बच्चों। अब ये वाला हम क्यों नहीं लगा सकते थे, रेड वाला जो मैंने क्रॉस किया है? बेसिकली बच्चों जो हमारे एरर्स वाले सारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो ये अज्यूम करते हैं कि आपकी जितनी क्वांटिटीज हैं वो अनरिलेटेड हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये तो अब आपकी जो क्वांटिटीज ए एंड बी हैं, आर वन आर टू एंड आर वन प्लस आर टू, वो तो आपस में रिलेटेड है, इसलिए वो मेथड नहीं लगता। अब ऐसे केसेस में वो बच्चे मारे जाते हैं जो जिनको लगता है कि हाँ कोई डाउट नहीं आया था और उन्होंने डिस्कशन क्लास नहीं लगाई। तो इसका आंसर ऑप्शंस में होएगा ही नहीं, आई एम वेरी श्योर जो बन रहा है। नीट में मतलब लंबा है, देखो बनता है क्या आंसर? नहीं, सोचना ही नहीं, अगर मतलब नीट में आ गया और मतलब आपने जो मैंने मेथड बताया उसी से ही करना है। हाँ, चेन रूल तो इनडायरेक्टली डिफरेंशिएशन में यूज होता ही रहता है, तो वो सिलेबस में ही है।
आगे बच्चों, तो 51 में तो बस आप फॉर्मूला लिखो यंग्स मॉडुलस का, वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या बन गया, पाई डी स्क्वायर बाय फोर, और स्ट्रेन को लिख लो एल बाय कैपिटल एल, एक्सटेंशन अपॉन लेंथ। तो इस पे अपना वो पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, उससे निकल आएगा। अच्छा बच्चों, अब ये जो जैसे क्वेश्चंस लाइक 62 नंबर क्वेश्चन है, इनको जल्दबाजी में ये मत कर देना कि बस सीधा मल्टीप्लाई किया और सोचा कि यार बहुत आसान आ गया और एग्जैक्ट आंसर निकाला है अपनी तरफ से। इन क्वेश्चंस में द नीड इज नॉट कि आप एग्जैक्ट आंसर निकालो कि भाई ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक निकालो, नीड इज कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, ठीक है ना। मतलब इन क्वेश्चंस में आइडियली तो मल्टीप्लिकेशन करनी ही नहीं चाहिए आपको, आपको सीधा सीधा पता है इज नो नीड टू इवन मल्टीप्लाई। ये 49th क्वेश्चन में भी वही यूज होना है जो 47th में यूज हुआ है, इसलिए वो नंबर ऑफ रीडिंग्स दी हुई है, उससे हो जाएगा। फिफ्टी थ्री, इसको बस क्या कैसे लिख दोगे आप, ये जो दिया हुआ है, दिस इज 2.000 × 10^2, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4। ये बच्चों स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर तो अभी छोड़ ही दो, है ना। अच्छा तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि 200 है अगर लिखा हुआ, तो आप किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलोगे, 1 और 3, बताओ। तो बच्चों एक्चुअली ना ये एम्बिगुअस क्वेश्चन हो गया, आप बता ही नहीं सकते कैसे भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल कहाँ आता है, जहां अनसर्टेनिटी हो। अब ये डिपेंड करता है कि ये 200 कहाँ से आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि भाई हाँ एक क्लास में 200 बच्चे हैं, तो वो हो सकता है मैंने पूरे गिने हो, तो वो 200 नंबर में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, राइट। दूसरा केस हो सकता है कि मान लो किसी ने कोई लेंथ मेजर की 2 मीटर, उसने बस उसको सेंटीमीटर में बोल दिया 200 सेंटीमीटर, तो इस केस में भाई जो उसने मेजर किया था तब तो एक सिग्निफिकेंट फिगर ही था, तो फाइनल आंसर में भी एक आएगा, तो उस केस में एक ही आएगा। तो मतलब बच्चों इन शॉर्ट आप नंबर देख के ये बता ही नहीं सकते हो कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब इस तरीके का नंबर जिसमें एंड में जीरोस लगे हुए हों, ठीक
ठीक है, और ऐसा आपको पूछा भी नहीं जाएगा कभी, दिस इज एन एम्बिगुअस केस. एंड जस्ट इन केस बच्चों आ गया, ठीक है, तो आप बच्चों तीन मानोगे, प्लीज टेक केयर. आप में से ज्यादातर लोगों ने वन आंसर किया था, वो मैं समझ सकता हूं, वो आपने जो रूल पढ़ा है आपने उसके हिसाब से किया होगा, बट अगर हमें कुछ और मेंशनड नहीं है तो आप इसका आंसर थ्री दोगे, वन नहीं दोगे. मतलब हमारी अजम्पशन क्या है कि हमें जो दिया गया है वो सारा सिग्निफिकेंट ही दिया गया है. ऑलराइट, समझ गए बच्चों? मतलब 99.9% तो आएगा ही नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि इट डजंट क्लियर एनीथिंग. तो 55th, इसमें आप क्या देखोगे कि किसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो ए में चार आ जाएंगे, तो इसलिए ए आ जाएगा. बच्चों बात समझ आई मेरी 202 वाली? हाँ जी, आगे बच्चों. सेवेंटी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. इसमें क्या रूल होता है बच्चों, कैसे चेक करते हैं कि बेसिकली रिजल्टेंट जीरो कहां बन सकता है, जहां पे ट्राइंगल बन सकता हो या स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे को कैंसिल. तो मतलब रूल क्या होगा इसमें बच्चों, सम ऑफ टू साइड्स नॉट ग्रेटर इक्वल टू भी आएगा. मतलब जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल ही हो, स्ट्रेट लाइन में भी तो हो सकता है ना कि ऐसे. और ये बच्चों मतलब सिर्फ तीन के लिए नहीं है, मान लो चार क्वांटिटीज दी होती तो आप कहते हैं कि तीन का ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्थ के होना चाहिए एंड सो ऑन. तो इसमें क्या बन जाएगा, डी नहीं हो सकता क्योंकि वो 30 जो है वो 40 से छोटा आ गया, 10+20 करके. आगे बच्चों, सेवेंटी एट क्वेश्चन. एक वेक्टर दिया हुआ है, सबसे पहले तो अच्छा क्वेश्चन है, हमारे तीन चार कंसेप्ट रिवाइज करवा देगा 78 क्वेश्चन. यूनिट वेक्टर कैसे चेक करना है, वो तो सिंपल मैग्नीट्यूड लेके है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेके, तो वो क्या बन गया, 1/16 प्लस 9/16 प्लस 1/4, तो वो तो हमें दिख रहा है कि नहीं आ रहा, राइट, यूनिट वेक्टर तो गलत हो गया. परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट लेके, कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा.
तो बताओ इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है कि नहीं आता? नहीं आता। पैरेलल कैसे चेक करते हैं बच्चों? रेशो देख के, कि मतलब हर वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, मतलब आई कैप के साथ जो आया, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन अपॉन वाई टू इज इक्वल टू जेड वन अपॉन जेड टू, अगर ये रेशो इक्वल हो, क्रॉस प्रोडक्ट मत करो वो लंबा हो जाता है, सीधा ये रेशो करो, दिस इज इजियर। मतलब इस केस में रेशो क्या बन गई, अगर हम देखें, 1/4 अपॉन 4 रेशो -3/4 इंटू -12 और तीसरा क्या बन गया, 1/2 अपॉन 8। तो क्लियरली हम देख सकते हैं तीनों क्वांटिटीज 1/16 बन रही हैं, तो ये पैरेलल हुए। ठीक है, और हाउ डू यू चेक एंगल, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी, है ना, उससे आप चेक कर सकते हो। ये जो बच्चों 72 क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक ये एंगल्स जो यूज हो रहे हैं, ये बच्चों याद रखने चाहिए आपको, जो 37 और 53 वाला ट्रायंगल होता है, ये जरूर याद रखना चाहिए हमें, उसी से ही निकला। तो अगर लास्ट में कॉस इनवर्स में नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा ना, मतलब जैसे कॉस इनवर्स -0.8 अगर आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स ऑफ -4/5, तो 4/5 का क्या है 37, तो ये क्या बन जाएगा 180 -37। आगे बच्चों, एटीएथ क्वेश्चन, वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर। मतलब एक वेक्टर पहले ऐसे है, बाद में आपने उसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, मतलब मान लो आपका ये दिस इज ए वेक्टर, बाद में बन गया बी वेक्टर। अब आपको पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, मतलब चेंज इन वेक्टर क्या हुआ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और आपको क्या पूछा है, उसका मैग्नीट्यूड। तो आपको अब बी और ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया, 180 -थीटा। नहीं मतलब थीटा, मतलब तो अब ये क्या बना मैग्नीट्यूड, सब्ट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला हो गया होता है, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
माइनस टू बी ए बी कॉस थीटा का रूट, ये मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल ही हैं तो ए बाहर निकाल लो, ये बन गया टू माइनस टू कॉस थीटा का रूट, टू भी बाहर निकाल लो तो रूट टू ए टू, वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, उसका रूट हो गया तो वो रूट टू साइन थीटा बाय टू हो गया। तो ये टू ए साइन थीटा बाय टू बन जाएगा। ये वन माइनस, ये दो हाफ एंगल्स फॉर्मूलाज बचाऊ याद होने चाहिए, वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो 76 क्वेश्चन बच्चों ऑप्शन से ही होगा है ना, 76 में यू गेट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो आप ऑप्शन से ही देखोगे कि किसमें ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब 76 में डी आएगा, यस एटी टू। देखो बच्चों ये दो क्वेश्चंस में आप मिक्स कर रहे हो, देखो 82 जो दिया है इसमें तो सीधा सीधा अगर आप इक्वेट करोगे तो आपका पी कट गया, so you get 2 q vector equal to 0, मतलब q vector 0 होना चाहिए, तो इसका आंसर तो b आएगा। जो आप d कह रहे हो, d तब आता होता है, ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, जब मॉड लिखा होता है कि मॉड ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू मॉड ऑफ p माइनस q, आगे बच्चों। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड बट वेरिएबल डायरेक्शन इज 12 एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 7, देन देयर मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर विल बी। भाई आपको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन सकता है ए बी, वो आपको 12 दे दिया। अब आपको कहा है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैक्सिमम क्या हो सकता है जो ऐड करके बनता है वो 7 है,
तो बच्चों इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अब इन दोनों क्वांटिटीज को, इससे आप ए और बी की वैल्यूज निकालोगे। तो ये आपका ए मतलब देख के पता चल रहा है कि ए फोर आ जाएगा, बी थ्री आ जाएगा। तो अब रिजल्टेंट क्या आ सकता है, वन आ सकता है। एटी फोर्थ में वेक्टर के रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, पी क्यू आर तो इक्वल है वो कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस हाफ, अगेन माइनस में आएगा तो थीटा आपका 120 होगा, सी आंसर आएगा। नाइंटीथ क्वेश्चन, ए माइनस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखो जो इसको कैसे कर सकते हैं, एंगल निकालना है तो कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। अगर ए माइनस बी इस पर पेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब ए माइनस बी डॉट बी इज जीरो, विच मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी डॉट बी क्या होता है, बी स्क्वायर ही होता है। अब आपको क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका क्या मतलब हुआ, ए स्क्वायर ए डॉट बी को आप जो ऐसे भी लिख सकते हो फर्दर, क्योंकि थीटा ही निकालना है फाइनली, तो कि ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन आ गया कि ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा is equal to a square by 4। यहां बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो b की, b क्या है a cos theta, तो ये बन गया a square plus a square cos square theta minus 2a square cos theta is a square by 4, a square अपना कट गया हर जगह से, क्या बन गया 1 plus cos square theta minus 2 cos theta is equal to 1 by 4, तो cos square theta minus 2 cos theta plus 3 by 4 is equal to 0। ये cos theta में quadratic बन गई, इसको solve करके आपको cos theta निकालना पड़ेगा। अच्छा यस, हाँ मतलब ये एक स्टेप आप बच्चों बचा सकते हो। ये बेसिकली अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही बन रहा है।
तो ये कॉस थीटा सीधा हाफ आ गया, तो थीटा 60 आ गया। यस, डायग्राम बना के भी कर सकते हो अगर आप वो विजुलाइज कर पाओ तो। आगे बचाओ, ये 90th का बच्चों आंसर पीछे ए दिया है क्या? ये कहीं कैलकुलेशन में कोई तो बताना जिन्होंने किया है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ थी या कोई आंसर ही गलत है? कैलकुलेशन में गड़बड़ थी, वहां पे 2a² cos² थीटा आना था, आपने 2a cos थीटा लिख दिया था। अच्छा ठीक है, फिर तो वो स्क्वायर बनेगा ही नहीं है ना, या स्टिल स्क्वायर बनेगा? स्क्वायर मतलब वो cos² थीटा ही 3/4 के इक्वल आ जाएगा ना। हाँ हाँ वही, मतलब वो होल स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस हाँ वो सारा कुछ बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म में ही आ जाएगा। ठीक है, वो मैं लिखते हुए मैंने एक टर्म मिस की थी, तो वो कॉस थीटा √3/2 ही आ जाएगा, तो मतलब आंसर ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन अगेन आपके मॉड्यूल का, ये बच्चों एक जनरल फॉर्मूला हमें याद रखना है, हाउ डू बी फाइंड कंपोनेंट ऑफ एनी बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ये वैसे क्या होता है बच्चों, b cos थीटा, हम कंपोनेंट हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, cos थीटा ले लिया तो b cos थीटा, और डायरेक्शन क्या होएगी, a कैप, a कैप, तो ये बन जाता है b cos थीटा क्या होता है, a डॉट b ओवर ए बी इंटू a कैप, क्या बन गया, ए वेक्टर अपॉन ए, तो ये क्या बन गया, ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर, इस तरह से निकालते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला ए डॉट बी ओवर ए बी, नाइंटी सेवेंथ क्वेश्चन, सम डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी और a क्रॉस बी, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं।
तो अब बच्चों क्या है कि जो ए क्रॉस बी होता है वो तो वैसे ही परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, तो वो तो परपेंडिकुलर आएगा ही, मतलब ए बी की कुछ भी वैल्यूज हो। देखो ए प्लस बी सेम प्लेन में बनता है वेक्टर्स के, ए माइनस बी भी सेम प्लेन में बनता है, और ए क्रॉस बी जो होता है वो हमें पता है कि परपेंडिकुलर प्लेन में बनता है। तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर की कोई सेपरेट कंडीशन नहीं बनेगी। हाँ अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी जीरो हो गया, तो इससे क्या आ गया ए इक्वल टू बी, तो इसलिए डी ऑप्शन बन जाएगी। नाइन्टी फर्स्ट बच्चों स्टैंडर्ड ये मतलब फॉर्मूला ही होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड ले लो। नाइन्टी एट क्वेश्चन देखो बच्चों, आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो बी क्रॉस ए और ए का। अब बच्चों बी क्रॉस ए जो है वो तो ए के परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होता है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स में एंगल क्या हो गया 90, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा। बी क्रॉस ए जो वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ना, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो तो वेक्टर के परपेंडिकुलर ही हो जाता है। मतलब आपका एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए जो है वो तो परपेंडिकुलर टू ए हो गया ना। तो बी क्रॉस ए और ए के बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अगर एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। 93rd, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16, रिजल्टेंट इज 8 एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, ये भी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आपको ये कह दिया कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का सम जो है वो 16 है। अब आपको कहा है कि जो रिजल्टेंट है वो 8 है और परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स है, मतलब दो, मतलब पहला वेक्टर ऐसा होगा, दूसरा वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा ताकि जो इसका रिजल्टेंट है वो ऐसे आ जाए। तो ये रिजल्टेंट 8 हो गया और ये दो क्वांटिटीज ए और बी हो गई, तो आपके पास दो रिजल्ट्स आ गए। बी को लिख दो 16 माइनस ए, इस पे पाइथागोरस लगा दो, इससे आपके पास ए और बी की वैल्यूज निकल आएंगी।
99th, अच्छा देखो इनडायरेक्टली दे दिया आपको, कब ऐसा होगा कि कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर जीरो होगा, मतलब बी वेक्टर का ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, वो कब होगा जब बी ए के पैरेलल होगा। तो आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा है कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए, तो बस आपने तो वो रेशियो इक्वेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 100, आपको पहले तो ये दे दिया कि यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है, आपको ये दे दिया कि मॉड ऑफ A1 प्लस A2 इज √3, तो ये क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos θ इज इक्वल टू 3। यहां से आपके पास उन वेक्टर्स के बीच में एंगल निकल आया तो cos θ ½ आ गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये क्या है देखो, 2A1 स्क्वायर प्लस A1 dot A2 माइनस 2A1 dot A2 माइनस A2 स्क्वायर, तो ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे A1 A2 और θ की, तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। आगे बच्चों, हंड्रेड एंड वन, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये हो गया आपका यू वेक्टर, ये हो गया एन वेक्टर, और ये हो गया आर वेक्टर। वेयर दीज एंगल्स आर थीटा, अच्छा मैंने, चलो बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज ए कैप, दिस इज बी कैप एंड दिस इज सी कैप। ठीक है बच्चों, हमें ये पता है कि जो एंगल बनेगा वो इक्वली बनेगा, तो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ेगा, ये हमें आर कैप निकालना है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर क्या होगा बच्चों, ये वाला,
देखो जो ये इतना वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया एन कॉस थीटा, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन तो एन कैप के अलोंग हो ही गई, राइट। तो अब ये जो मैंने ऊपर लिखा है बच्चों, ये वेक्टर ब्लू वाला, ये क्या बन गया, यू कैप प्लस ये एन तो वन ही है, तो ये बन गया यू कैप प्लस कॉस थीटा एन कैप, ये आधा। तो जो ये आगे वाला वेक्टर है वो भी यही बनेगा, क्यों? अगर हम एक वेक्टर को उसी के पैरेलल ट्रांसलेट कर दें तो वो वेक्टर सेम ही रहता है, राइट। तो अब आर कैप क्या बन गया, अब मैं राइट साइड वाले ट्राइंगल पे ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा, तो आर कैप बन गया यू वेक्टर प्लस कॉस थीटा एन कैप प्लस फिर से ये रेड वाला वेक्टर, तो ये बन गया यू वेक्टर प्लस टू कॉस थीटा एन कैप, ठीक है। अब एक आखिरी काम बचा कि ये अब थीटा एंगल है क्या, जो कॉस थीटा है, थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों क्वेश्चन। जो हमारा एन वेक्टर है, एन कैप है, और जो ए कैप है, ए कैप ऐसे था, ठीक है, मतलब इनके बीच में जो एंगल बना वो 180 माइनस थीटा बना, तो मतलब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ये ए डॉट बी ओवर ए बी से ए डॉट एन के इक्वल आ गया, तो यहाँ कॉस थीटा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एज माइनस टू यू डॉट एन, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनको ए बी सी में कन्वर्ट कर दोगे तो डी आंसर बन जाएगा। ये थोड़ा टिपिकल सा है, ये ऐसा नहीं आएगा कभी। आपने एन इज इक्वल टू वन क्यों पुट किया? यूनिट वेक्टर था ना, तो पूरा मैग्नीट्यूड तो वन ही है। वो कौन सा मेंशन? अच्छा ठीक नहीं है, मेंशन ठीक है बच्चों, डन। वन जीरो थ्री में तो पी प्लस क्यू निकाल लो पहले, आई कैप जे कैप में पी माइनस क्यू निकाल लो, फिर वो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। राइट बच्चों, तो चलो, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। मैं बच्चों अगली क्लास से पहले जो करके लाना है, ठीक है, उसका मैं आपको मैसेज कर दूंगा। चलो ओके बच्चों, बाय।